पोल्स्काई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। फराह खान ने कुछ इस अंदाज में दी दीपिका रणवीर को शादी की बधाई, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने इटली की लेक कोमो में शादी रचाई थी। शादी के बाद इस जोड़े को चारों ओर से बधाइयां मिल रही है, फिर चाहे वो फैंस हो या बॉलीवुड। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से दीपवीर को शादी की बधाइयां देता दिखाई दिया। वही फराह खान ने इस नए जोड़े को बेहद खास तरीके से शादी के लिए कंग्रेचुलेट विश किया है। आपको बता दें कि फराह खान ने ही दीपिका को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था। फिल्म ओम शांति ओम तो आपको याद ही होगी, ये फिल्म दीपिका की पहली फिल्म थी जिससे दीपिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वही इस फिल्म का एक फेमस डायलॉग एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू काफी पॉपुलर हुआ था। इस पॉपुलर डायलॉग को दीपिका की शादी से जोड़ते हुए फराह ने कहा, आखिर हमें एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता चल ही गई। बता दें 14-15 नवंबर को दोनों सितारों ने इटली के लेक कोमो में शादी रचाई है। शादी में करीबी मेहमान शामिल हुए। शादी को मीडिया से भी पूरी तरह से दूर रखा गया। वेन्यू पर सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए थे। 21 नवंबर यानी आज दोनों की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन होगा। ये रिसेप्शन बेंगलुरु के सबसे बड़े होटल लीला पैलेस में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ तक कि रणवीर और दीपिका अब बेंगलोर भी पहुंच चुके हैं। कल तो हमने आपको रणवीर के ससुराल की तस्वीरों को भी दिखाया था, जहां रणवीर अपने ससुराल की बालकनी में दीपिका के साथ खड़े होकर फैंस का अभिवादन करते दिखाई दिए। और तो और रणवीर और दीपिका को मुंबई एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया जा चुका है। यहाँ तक कि ये जोड़ी बेंगलोर एयरपोर्ट पर भी हाथों में हाथ थामे दिखाई दे चुकी है। अब तो बस हर किसी को इंतजार है आज शाम में होने वाले बेंगलुरु में ग्रैंड रिसेप्शन का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।